सिहोरा में अमानक धान के उपार्जन और भंडारण के मामले में जिला प्रशासन ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ गोसलपुर थाने में FIR दर्ज करवाई है। मौके पर तहसीलदार ने 70 क्विंटल अमानक धान भी जब्त किया है। दरअसल सिहोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम खजरी में स्थित सत्यम शिवम वेयर हाउस स्थित उपार्जन केंद्र में अमानक स्तर के धान का भंडारण कर सरकार को क्षति पहुंचाने के मामले में तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया ने रविवार की रात वेयर हाउस में छापा मारा तो देखा कि वेयर हाउस में अमानक स्तर की धान रखी जा रही थी। तहसीलदार ने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध गोसलपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया के अनुसार खजरी में सत्यम शिवम वेयर हाउस में बैन गंगा किसान उत्पादक समिति के द्वारा संचालित उपार्जन केंद्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपार्जन संस्था के संचालक अंकित पटेल द्वारा अपने भाई शुभम के माध्यम से किसान अजय पटेल एवं वेयर हाउस संचालक सत्यम पटेल के साथ अमानक धान वेयर हाउस के अंदर रखते पाए गए। रविवार होने के बावजूद इस केंद्र पर धान का उपार्जन भी किया जा रहा था, जबकि नई उपार्जन नीति में रविवार को धान का उपार्जन पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर निर्धारित वजन 40 किलो 580 ग्राम जो कि धान की बोरी के लिए निर्धारित वजन है की बजाय 41 किलो 160 ग्राम की धान की बोरियां होना पाया गया। तहसीलदार सिहोरा द्वारा निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस के अंदर रखी गई धान की गुणवत्ता का भी परीक्षण करवाया गया। परीक्षण में 70 क्विंटल धान अमानक स्तर पर पाई गई। इस अमानक धान को जब्त कर कृषक शुभम पटेल के सुपुर्दगी में दे दिया गया। खुद को लाभ के लिए अमानक धान का उपार्जन कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने तथा उपार्जन नीति के उल्लंघन के इस मामले में सत्यम शिवम वेयर हाउस तथा बैनगंगा किसान उत्पादन प्रो कंपनी लिमिटेड के संचालक व प्रभारी अंकित पटेल, शुभम पटेल, अजय पटेल एवं सत्यम पटेल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 34 के तहत मामला गोसलपुर थाने में दर्ज किया गया है। ये रविवार के दिन जो है तहसीलदार सिहोरा श्री राकेश चौरसिया जी ने एक वेयर हाउस का निरीक्षण किया था। संडे के दिन जो है वेयर हाउस बंद रहता है अमूमन, परंतु 1500 बजे के आसपास वो वेयर हाउस का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो निरीक्षण में वो खुला हुआ पाया गया और उनके द्वारा करीब 70 क्विंटल वहाँ पे अमानक धान प्राप्त हुई, जो कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि वो धान जो है खरीदी के बाद जो स्टैंडर्ड की धान थे उसको मिलाया जाता और उससे उस पर मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता, जिस पर उनके द्वारा एक रिपोर्ट थाने पे दी गई है, जिस पे अपराध 420 406 का बेन गंगा समिति के संचालक जो हैं अंकित पटेल, सत्यम पटेल, शुभम और अजय, इनके खिलाफ कायम की गई है और प्रकरण इन्वेस्टिगेशन पे है और इस पे साक्ष्य संकलित करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।